IMF विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जुलाई, चर्चा में क्यों? वर्तमान समय में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 26 जुलाई 2022 को अपने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की विकास के संबंध में भविष्यवाणी जारी की। IMF आउटलुक के प्रमुख निष्कर्ष। IMF ने अप्रैल में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2% रहने का अनुमान लगाया था। IMF ने बाहरी झटकों और तेजी से मौद्रिक नीति सख्त होने पर विचार करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया। IMF ने नीति निर्माताओं को सुझाव दिया है कि वे सुझाए गए नीति निर्माताओं को प्राथमिकता दें, वे मौद्रिक नीति को सख्त बनाकर मुद्रा स्फीति को ठीक करने की प्राथमिकता पर ध्यान दें। बढ़ते आर्थिक जोखिमों के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान भी 0.8% से घटकर 6.1% हो गया है। भारत सहित अन्य देशों के विकास के लिए संस्थानों के पूर्वानुमान। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.2% होने का अनुमान लगाया था। IMF के अनुसार भारत 2022-23 और 23-24 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत से आगे सिर्फ सऊदी अरब के रहने की संभावना है। 2022 में सऊदी अरब के 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2022 में चीन में विकास दर 3.3% तक धीमी होने की संभावना है। रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने आर्थिक पूर्वानुमान में वृद्धि देखी। IMF का वैश्विक विकास अनुमान। IMF ने वैश्विक ग्रोथ को भी कम कर दिया है। इसने चेतावनी दी है कि दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है। 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास 3.2% तक धीमा होने की उम्मीद है। यह विकास अप्रैल 2022 में 3.6% की तुलना में कम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा किए जाने वाला सर्वेक्षण है, जिसे आमतौर पर वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन है, जो विश्व में मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, आर्थिक रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड सम्मेलन में की गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखकर, भुगतान संतुलन में कठिनाई वाले देशों को ऋण देकर और सदस्यों को व्यवहारिक सहायता देकर मदद करता है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।